हाल आप देखेंगे तो कई सारे नेता हैं और कई सारे विधायक हैं, कई सारे मुखिया जनप्रतिनिधि भी हैं, और फिलहाल हम बात करेंगे कल्याणपुर पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, मुखिया जी से भी। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। क्या लगता है मतलब बिहार यात्रा से क्या कुछ निकल कर आएगा? जनता को व्यापक बंदी में ही सरकार के दबाव बनाकर हम लोग सरकार के जो कही हुई बातें हैं उसको हम लोग मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि जमीन को लेकर मामला है, कुछ और मामला है, गरीबों को हक दिलाने की मामला है, तो कहां तक ये सफल हो जाएगी कि पैदल यात्रा करने से गरीब को घर मिल जाएगी, सरकार आपके ऊपर कुछ दया कर दे? ये गूंगी बड़ी सरकार है, इसको सुनाने के लिए हम लोग को पैदल मार्च करने पड़ रही है। और पैदल मार्च करेंगे तो क्या लगता है कि गरीबों को हक मिल जाएगा? हम लोग तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे ना, अब उनको देना है कि ना देना है वो लोग सोचे, लेकिन हम लोग अपना लड़ाई लड़ेंगे। पद यात्रा 27 मार्च को यहाँ पटना में हम लोग को मिल रहा है, स्कूल में सम्मेलन है, वहाँ तक हम लोग को जाना है। आज के प्यादे पद यात्रा हम लोग को दिल्ली बाजार तक है। ये थे हमारे कल्याणपुर पंचायत के मुखिया जी आनंद यादव, उन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा है, गरीबों को हक दिलाने की बात की है, और खास करके कहे तो सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि गूंगी बहरी सरकार है जो सुनती नहीं है, उसको सुनाने का काम है यह जो यात्रा चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम भजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।